आईपीएल 2024 पीवीकेएस और केकेआर के बीच खेला गया काफी ज्यादा घातक और विस्फोटक मुकाबला, यानी कि पंजाब टीम और यहां पर कोलकाता नाइट राइडर के बीच काफी ज्यादा तूफानी विस्फोटक मुकाबला खेला गया, जहां पर सुरेश अय्यर की टीम ने काफी तूफानी और बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी से 261 रन ठोक दिए। और मैं आप सभी को बता दें कि यहां पर इतना बड़ा एक लक्ष्य खड़ा कर दिया पंजाब की टीम के सामने, जहां पर पंजाब की टीम जो है पहले ही सही ज्यादा काफी थर्रा उठी। लेकिन अब हर किसी को यहां पर ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम इतने रन चेज नहीं कर पाएगी, और यहां पर कोलकाता नाइट राइडर यानी कि सुरेश अय्यर की टीम ने यहां पर 262 रनों का लक्ष्य दे दिया। लेकिन आप सभी को बता दें कि पंजाब के घातक विस्फोटक शेरों ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया और केकेआर के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो जो है टॉस की बाजी पंजाब की टीम ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर आप सभी को बता दें कि यहां पर केकेआर के घातक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और पंजाब के गेंदबाजों को धोने में शुरुआती दौर में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंजाब के गेंदबाजों ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी की, लेकिन केकेआर के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से 261 रन ठोक दिए, जहां पर अब हर किसी को यही लग रहा था कि 262 रन बनाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लेकिन पंजाब के भूखे शेरों और विस्फोटक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। पहले ही एक ओवर में ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से 35 रन ठोक दिए, जहां पर तीसरे ओवर में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से शशांक ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 गगनचुंबी चौके ठोक दिए। काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से पंजाब के खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे। आप सभी को बता दें कि केकेआर कोलकाता नाइट राइडर के हाथों से मैच बिल्कुल पूरी तरीके से फिसलता हुआ जा रहा था। सुरेश अय्यर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जिता जिताया मैच हाथ से निकलता हुआ जा रहा था। यहां पर खुद रिंकू सिंह देखकर ये सब हैरान थे। पंजाब के घातक विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से 18 ओवरों के भीतर ही 262 रन ठोक दिए और आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल को बदल कर रख दिया और जीत हासिल कर दी। आप सभी को हाईलाइट और क्रिकेट से जुड़ी जानकारी हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।